Today we are discussing new paper pattern of class 10th CBSE board of 2020 maths. Okay, before that, dear student, please subscribe our channel. Now see, in maths कुछ लोगों ने अपने बेसिक मैथ्स लिया हुआ है और कुछ लोगों ने स्टैंडर्ड मैथ्स लिया हुआ है, फाइन. लेकिन जो बेसिक मैथ्स और स्टैंडर्ड मैथ्स है, दोनों का ही पेपर पैटर्न सेम है. पेपर पैटर्न इज सेम, बट जो बेसिक मैथ्स और स्टैंडर्ड मैथ्स में डिफरेंस है वो बस ये है कि बेसिक मैथ्स में जो डिफ़िकल्टी लेवल है क्वेश्चन की वो थोड़ी इजी होगी, और स्टैंडर्ड मैथ्स में आप कह सकते हो कि जो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर था कुछ उस तरीके से, या थोड़ा सा उसका जो डिफ़िकल्टी लेवल होगा वो ज़्यादा होगा. ठीक है, आफ्टर दैट जैसे कि मैंने आपको कहा कि बेसिक मैथ्स और स्टैंडर्ड मैथ्स दोनों का ही पेपर पैटर्न सेम है, तो अभी हम डिस्कस करते हैं कि मैथ्स का क्वेश्चन पेपर जो कि सीबीएसई ने इस बार सैम्पल पेपर रिलीज़ किया है, अकॉर्डिंग टू दैट व्हाट इज़ द न्यू पेपर पैटर्न. ओके, नाउ सी, टोटल मार्क्स दोनों ही पेपर में, बेसिक मैथ्स में भी और स्टैंडर्ड मैथ्स में भी, टोटल मार्क्स 80 मार्क्स है, और टाइम आपको 3 आवर्स का मिलेगा. 3 आवर्स में आपको पूरा पेपर कंप्लीट करना है. नाउ सी व्हाट इज़ द मेजर डिफरेंस. टोटल मार्क्स मैंने आपको बता दिया 80 मार्क्स है, टाइम इज 3 आवर्स. नाउ द टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन, ये जो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन है ये 40 होंगे. प्रीवियस ईयर तक ये जो प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन पेपर थे उसमें इट वॉज 30, नाउ हियर इट इज़ 40, राइट. आफ्टर दैट नाउ सी, क्वेश्चन पेपर इट इज़ डिवाइडेड इंटू 4 सेक्शंस. आपका जो क्वेश्चन पेपर है वो 4 सेक्शन में डिवाइड होगा, बेसिक और स्टैंडर्ड दोनों में ही. टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस 40 हैं, और जो क्वेश्चन पेपर आपका है वो 4 सेक्शंस में डिवाइड है. आफ्टर दैट सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी एंड सेक्शन डी, ठीक है, ये 4 सेक्शंस हैं आपके. अब यहाँ पर जो सेक्शन ए है, ये जो आपका सेक्शन ए है, यहाँ पर मेजर चेंज है. लास्ट ईयर 6 क्वेश्चन होते थे 1 मार्क्स के, इस बार 20 क्वेश्चंस हैं 1 मार्क्स के. हैव यू अंडरस्टूड, 20 क्वेश्चंस आर देयर फॉर 1 मार्क्स. इट मीन्स योर सेक्शन 1 कंटेन 20 मार्क्स, 20 × 1, 20 मार्क्स. ओके, आफ्टर दैट सेक्शन बी, सेक्शन बी में 6 क्वेश्चंस होंगे, और जो कि कितने मार्क्स के हैं, 2 मार्क्स के हैं. 6 क्वेश्चंस 2 मार्क्स के हैं, तो आपका सेक्शन बी हो जाएगा 12 मार्क्स का. उसी प्रकार से सेक्शन सी, सेक्शन सी में आपके आएंगे 8 क्वेश्चंस, जो कि कितने के होंगे, 3 मार्क्स के. ईच क्वेश्चन कंसिस्ट 3 मार्क्स, सो आपका जो है सेक्शन सी होगा 24 मार्क्स का. ठीक है, आफ्टर दैट सेक्शन डी, सेक्शन डी में 6 क्वेश्चन आने हैं, और ईच क्वेश्चन होगा 4 मार्क्स का. सो आपका जो सेक्शन डी हो जाएगा 6 × 4, दैट इज़ 24 मार्क्स का हो जाएगा. ठीक है, यहाँ पर सबसे ज़्यादा बड़ा चेंज यही है कि आपको 1 मार्क्स के क्वेश्चन 20 आने हैं. ठीक है, आफ्टर दैट सो टोटल आपका कितना हो जाएगा, टोटल ये 20, 12, 24, 24, टोटल आपका होगा 80 मार्क्स का. एंड हियर ऑल क्वेश्चंस आर कंपलसरी. ठीक है, आपको सारे क्वेश्चंस करने कंपलसरी है, 40 क्वेश्चंस, और इंटरनल चॉइस इज गिवन. ठीक है, इंटरनल चॉइस आपको दी हुई है. जैसे फर्स्ट क्वेश्चन में, सेक्शन 1 में 1 मार्क्स के क्वेश्चन में आपको इंटरनल चॉइस दी है, 2 मार्क्स के क्वेश्चन में आपको इंटरनल चॉइस दी है, 3 मार्क्स में भी इंटरनल चॉइस है, और 4 मार्क्स में भी इंटरनल चॉइस है. ओके, सो इस तरीके से आपका क्वेश्चन पेपर आने वाला है. बेसिक मैथ्स और स्टैंडर्ड मैथ्स दोनों में ही आपका पेपर पैटर्न सेम होगा, बट डिफरेंस यही है कि डिफ़िकल्टी लेवल थोड़ा सा बेसिक मैथ्स का इजी होगा, और स्टैंडर्ड मैथ्स का थोड़ा सा डिफ़िकल्टी लेवल ज़्यादा होगा. और सी, आप पेपर की जो तैयारी कर रहे हैं, तो सबसे पहले आप आपकी जो एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक है, ठीक है, आप उसको फिनिश करिए पूरा प्रॉपरली, बहुत अच्छे से. एनसीईआरटी में जितने भी क्वेश्चंस दिए हैं, एग्जांपल के क्वेश्चंस दिए हैं, वो सारा क्लियर करिए. पहले आप हर लेसन का, ईच लेसन का आप अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करिए. ठीक है, अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो आप, यू आर एबल टू डू एनी क्वेश्चंस. ठीक है, कोई भी क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हो.
तो वेदर यू हैव ऑप्ट फॉर बेसिक मैथ्स और स्टैंडर्ड मैथ्स, फर्स्ट यू डू एनसीईआरटी। एनसीईआरटी में सारे क्वेश्चंस आप सॉल्व करो, उसको करने के बाद फिर आप कुछ और जो भी आपको आरडी शर्मा करना है, या एनसीईआरटी के बाद आप एनसीईआरटी का एग्जाम्पलर भी सॉल्व करिए, ठीक है। फॉर स्टैंडर्ड मैथ्स आई एम टेलिंग, कि बेसिक मैथ्स वाले सिर्फ आप एनसीईआरटी को बहुत अच्छे से कर लो, काफ़ी है। लेकिन जो जिन्होंने स्टैंडर्ड मैथ्स ऑप्ट किया है वो एनसीईआरटी का एग्जाम्पलर भी करो, एंड उसके बाद आप सैम्पल पेपर्स, जितने सैम्पल पेपर आप सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है, जितने ज़्यादा आप सैम्पल पेपर सॉल्व कर सकते हैं वो सैम्पल पेपर सॉल्व करिए, प्रैक्टिस करिए, प्रैक्टिस प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस। जितना आप प्रैक्टिस कर सकते हैं उतना ज़्यादा प्रैक्टिस करिए, तभी उससे आपकी स्पीड भी इंक्रीज़ होगी और आप पेपर अच्छे से पूरा कर पाओगे, ठीक है। और इसके बाद के वीडियोज़ में हम सैम्पल पेपर डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू गाइस, सी, स्टे पॉजिटिव, वर्क हार्ड, ठीक है, मेक इट हैपन, यू कैन, ऑल द बेस्ट किड्स।